सो फाइनली गाइस रियलमी 5 एंड 5S के अंदर जो सीड और 35 का अपडेट आया है उसके बीच भी अपडेट करने के बाद आपको बहुत सारे बग्स और इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। उन सभी बग्स और इश्यूज को फिक्स करने के लिए सीड और 36 का अपडेट आएगा और वो कब तक देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा कि कब तक आपको देखने को मिल सकता है सीड और 36 का अपडेट। सो गाइस इस वीडियो के अंदर रियलमी 2 एंड C1 के जो मई मंथ के अपडेट के बारे में भी आपको कन्फर्म डेट बताने वाला हूँ और क्या कुछ नए फीचर्स उसके अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपको बताते हैं। सो हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मींस के थोड़ी सी अपडेट देना चाहता हूँ रियलमी 2 एंड C1 के रिगार्डिंग, उसके बाद बात करते हैं रियलमी 5 5S के बारे में। तो गाइज रियलमी 2 एंड रियलमी C1 के लिए जो है न्यू अपडेट रोलिंग आउट किया जाएगा इसी मंथ के 20 मई के बाद कर दिया जाएगा। 20 मई के बाद आपको रियलमी 2 एंड C1 के लिए न्यू मई मंथ का OTA अपडेट मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इसके अंदर बस एक न्यू सिक्योरिटी पैच लेवल मई मंथ का देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको क्लोन एप्स का भी फीचर देखने को मिल सकता है और साथ में और भी बहुत सारे मींस के जब अपडेट आएगा तो तब आपको देखने को मिल सकते हैं फीचर। तो अभी कुछ भी एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं रियलमी 5 एंड 5S के C.35 के अपडेट के बाद जो है जितने भी बग्स आपको देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो भी टच इश्यूज पहले आ रहे थे C.33 के अंदर तो उसको भी अभी तक जो है अपडेट करने के बाद भी फिक्स नहीं हुआ C.35 के अंदर, वो इशू वैसे का वैसा ही है। रियलमी जो बैटरी के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज चल रहे थे वो थोड़ा बहुत मींस के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। रियलमी ड्रेनिंग बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत फिक्स कर दिया गया है लेकिन ज़्यादा अच्छे से बैटरी नहीं निकाल पा रहा है अभी भी, तो मींस के अभी इसे बग बोलेंगे। तो आगे दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जो है लैगिंग इशू, जो टच इशूज़ चल रहे हैं इसके बीच तो वो भी अभी तक फिक्स नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लैगिंग और टच इशूज़ की। तो गाइस इनको फिक्स करने के लिए अभी जो है नेक्स्ट अपडेट कौन सा आएगा C.36 का अपडेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, C.36 का अपडेट ही आएगा इसके बाद और उसके अंदर आपको ये जितने भी बग्स देखने को मिल रहे हैं उन सारे बग्स को फिक्स कर दिया जाएगा। तो गाइस क्या वो स्टेबल अपडेट होगा ये तो हमें आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो स्टेबल अपडेट होगा या एक बीटा अपडेट होगा। तो गाइस जब भी अपडेट आता है हमारे चैनल पर आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करके रख लीजिए और हमारे जो है इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पे आपको आप कुछ भी मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।